now, question number 9 of exercise 1.1 or is sawal mein hame given hai. If u is equal to, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपके पास सेट के एलिमेंट्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में हैं, ओके, और हमने क्या करना होगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा. तो सेट किस किस्म के हैं, हमें ये बताया है कि इफ यू इज इक्वल टू, पढ़ते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, जेड का मतलब है इंटीजर्स, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन फाइव. सिमिलरली ए हमें गिवन है y such that y belongs to whole number such that y is greater than and equal to 1 and less than and equal to 3. So, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास इस equality के sign के नीचे line नहीं लगी हुई होती, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब सिर्फ less than, और अगर यहाँ पे ये symbol लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि less than and equal to, okay? और बी आपको गिवन है z such that z belongs to natural number and z is greater than 2 and less than and equal to 4, then verify part 1 में आपसे कहा गया है डी मॉर्गन्स लॉ. तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि जो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सबसे पहले आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लें. तो चलें हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सॉल्यूशन में आपके पास जो u है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, हमें ये बताया हुआ है कि उसके एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं. किस तरह के इंटीजर्स हैं, कि जो इसके एलिमेंट्स हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू माइनस वन से बड़ी है और फाइव से छोटी. तो माइनस वन से बड़ी और फाइव से छोटी का मतलब ये है, माइनस वन से बड़ा नंबर जीरो है, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री और फोर. यहाँ फोर पे आके हम रोक देंगे, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 5, तो 5 से छोटा क्या होगा हमारे पास, 4. सिमिलरली जो सेट A है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास, A के एलिमेंट्स है हमारे पास, अब जो A है उसके एलिमेंट्स को आप y से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, और वो किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, और किस तरह के होल नंबर, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 3. तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस इक्वालिटी के साइन के नीचे ये छोटी सी लाइन भी लगी हुई हो तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं. इसका मतलब ये है कि इस सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, ठीक है. और फाइनली हमारे पास भी क्या गिवन है, z such that z belongs to natural number, natural number से belong कर रहा है, और z is greater than 2 and less than and equal to 4. तो greater than 2 का मतलब ये है कि जो set B है उसके अंदर 2 element हम include नहीं करेंगे. तो 2 के बाद है 3 और 3 के बाद हमारे पास 4. तो ये हमने क्या कर लिया, हमने ये elements in set के transform कर लिए. अब हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे. और आपको पता होगा कि डी मॉर्गन्स लॉ किस तरह का होता है. डी मॉर्गन्स लॉ दो किस्म के होते हैं, हम उनमें से पहला प्रूफ कर रहे हैं. तो पार्ट वन के लिए डी मॉर्गन्स लॉ, और डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या बताता है कि ए यूनियन बी होल का इंटरसेक्शन किसके बराबर आना चाहिए, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये है हमारे पास द लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, और अब हम इसको एक एक करके प्रूव करेंगे. तो पहले हमने क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट. तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर मौजूद है ए यूनियन बी. सो इसका मतलब क्या है कि पहले हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं. सेट ए के एलिमेंट्स है आपके पास 1, 2, 3, बीच में यूनियन का साइन, और सेट बी के एलिमेंट्स है आपके पास 3, 4, और यूनियन का मतलब क्या है कि आप दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक जगह कंबाइन करके लिख लें, और जो रिपीटेड है उसको आप एक दफा लिख लें. तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी आपके पास क्या आ जाएगा,
1, comma 2, 3 दो दफा है, एक दफा लिख लें और ये हो गया आपके पास 4. अब आप क्या करेंगे, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो इसका मतलब ये है कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से आप A यूनियन B को माइनस करा दें. तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, बीच में माइनस, और A यूनियन B क्या है आपके पास 1, 2, 3, 4. और माइनस करने का मतलब क्या है कि जो भी बाद में एलिमेंट लिखा हुआ है उसके तमाम एलिमेंट्स को आप पहले वाले सेट से माइनस कर दें. तो यहाँ से आप 1, 2, 3, 4 कैंसिल कर लें, तो आपके पास A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0. यानी एक ऐसा सेट कि जिसका एक ही, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद है विच इज 0. ये हमारे पास आ गई, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड. तो अब आपने क्या करना है कि अब आप राइट हैंड साइड लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपने यही चीज लेकर आनी होगी. तो आप यहां पे लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो अब आपको ये चीज प्रूफ करने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले आपने A कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर B कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन. तो पहले मैं A कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं. तो यहां पे A कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से आप A को माइनस कर दें, यानी U माइनस A. तो पहले आप सेट U के एलिमेंट्स को लिख लें विच इज 0, 1, 2, 3, 4, और इसको आप माइनस करा दें सेट A के एलिमेंट से विच इज 1, 2, 3. और माइनस करने का मतलब क्या है कि आप बाद वाले सेट के एलिमेंट्स को पहले वाले सेट के एलिमेंट से माइनस कर दें. इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3 यहां से आपके पास माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, तो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास यहां बच रहा है 0, 4. सिमिलरली हम B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो B कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप यूनिवर्सल सेट में से B को माइनस कर दें. तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, और इसको आप माइनस करा दें B के सेट से. तो B के एलिमेंट्स क्या है आपके पास, 3, 4. सो अब क्या होगा कि आप यूनिवर्सल सेट में से 3 और 4 को कैंसिल कर लें, तो ये हो गया आपके पास 3, 4, आप कैंसिल कर लें, बाकी आपके पास बचा 0, 1 और 2. इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, 1, 2. सो अब हमने क्या करना है कि आपने यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, B कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें. तो यहाँ पे ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या है आपके पास, 0, 4. तो इस साइड में आ जाएगा 0, 4. इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं आपके पास 0, 1, 2. और इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको आप लिख लें. तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 0 और 0 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई. तो यहां पे आप लिख लेंगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह से आप लिख लें हेंस प्रूव्ड. ओके, तो इस तरीके से हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर लिया है. लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर आपके पास दो लॉज आते हैं. पहला लॉ जो है उसको तो हमने प्रूव कर लिया कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. आपके पास एक और डी मॉर्गन्स लॉ होता है जो कि आपने खुद से प्रूफ करना है,
तो दूसरा जो डी मॉर्गन्स लॉ है आपके पास, अगर ये एक इन टर्म्स ऑफ यूनियन है तो दूसरा इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये वाला पार्ट आप खुद से प्रूफ कीजिएगा। ओके, इस तरीके से हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर लिया है। और एक और बात मैं बताता चलूं कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, तो हमें डेफिनेटली एक ही क्वेश्चन से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आप बुक में देखें तो एक और पार्ट मौजूद है, वो भी आप खुद से परफॉर्म कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस में। तो चलें अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।